सो गाइस, फर्स्ट हमारे पास जो न्यूज है दैट इज अबाउट द प्रोटेक्टेड द प्लैनेट रिपोर्ट 2020। द रिपोर्ट टाइटल द प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट 2020। ये अभी जो रिपोर्ट आई है इसमें बताया गया है कि हमारे पास जो यूनाइटेड नेशन की कन्वेंशन ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हुई थी, एक आपको मैंने पहले भी बताया है दैट 1992 में हमारे पास एक समिट होती है, ये आपके पास अर्थ समिट जिसका नाम था, ये रियो डी जेनेरियो के अंदर हुई थी। रियो डी जेनेरियो इज अ सिटी दैट इज इन ब्राजील। वहां पर एक मीटिंग होती है जिसमें पूरे वर्ल्ड के सारे मेजर कंट्रीज एंड माइनर कंट्रीज सभी वहां पर आए और उन सभी कंट्रीज ने डिस्कस किया कि कैसे हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, व्हाट इज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जब बायोलॉजिकल फॉर्म्स बड़ी डिफरेंट डिफरेंट तरह की हमें नजर आती हैं, जैसे मैंने आपको कल परसों भी बताया था दैट हमारे आसपास जो सराउंडिंग है उसमें आप देखते हैं ट्रीज कितनी तरह के हैं, इसी तरह से फ्लोरा फोना बहुत तरह की है। तो यहाँ इन्हीं इन्हीं चीजों को आप बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो इन चीजों को बचाने के लिए इट वाज वेरी नेसेसरी कि हम सभी बैठ के कन्वेंशन करें, जो कि 1992 में कन्वेंशन की गई जो थी रियो डी जेनेरियो के अंदर, जिसको हम बोलते हैं अर्थ समिट। रियो डी जेनेरियो में हमारे पास एक कन्वेंशन सामने निकल के आती है जिसका नाम था सी बी डी, दैट वॉज कन्वेंशन ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। सो कन्वेंशन ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में यही बात थी कि हम लोगों ने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना है, और इसीलिए सभी कंट्रीज से रिक्वायर्ड था कि वो अपने अपने मतलब कंट्रीज में जाकर वहां पर अपनी जो पार्लियामेंट है उनके साथ डिस्कस करें दैट हाउ वी कैन प्रोसीड इन प्रोटेक्टिंग द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अल्टीमेटली वी ऑल आर द इनहेबिटेंट्स ऑफ द अर्थ, सो दैट इज वाई इट इज आर मॉरल एंड एथिकल ड्यूटी टू प्रिजर्व इट। जो नेचर ने हमें दिया है वो हमें प्रिजर्व करना ही है, ठीक है। सो ये उसके ऊपर एक रिपोर्ट आई है अभी कि प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट 2020, ये किसने हमें दी है, ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की तरफ से आई है ये, ठीक है। ये एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, आप इसमें याद रखेंगे जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में आपने याद रखना है इस चीज को दैट इट इज अ लीगली बाइंडिंग ट्रीटी, यानी कि अगर इसके जब ये कोई ट्रीटी होगी तो इसमें कोई भी गोल अगर सेट होंगे तो वो डेफिनेटली पूरे करने ही पड़ेंगे आपको, क्योंकि ये लीगली बाइंडिंग है, ठीक है। अदरवाइज किसी तरह की सेंक्शन वगैरह लगाई जा सकती है, ठीक है। और ये 1992-1993 से ही एनफोर्स्ड है, यानी कि यहाँ पर इसको फुली ऑन कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे एक चीज और देख रहे हैं, नियरली ऑल कंट्रीज इंक्लूडिंग द इंडिया हैव रेटिफाइड इट। इंडिया में मतलब सभी जो कंट्रीज हैं उसमें इंडिया भी है, हालांकि एक मेजर कंट्री यूएसए है, उसने अभी तक इसको रेटिफाई नहीं किया है, ठीक है। द सीबीडी सेक्रेटरी, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मॉन्ट्रियाल। मॉन्ट्रियाल कहाँ पर है, कैनेडा के अंदर है। और ये कौन से जो इसका मतलब कन्वेंशन का जो ऑफिस है, जितने भी इसके अंदर टारगेट्स रखे जाते हैं और कहाँ तक कंट्रीज ने अचीव किए हैं, ये सारा जितना भी रिकॉर्ड है वो सारा का सारा इसका जो सेक्रेटरिएट है यानी कि हेडक्वार्टर है ये लगा लीजिए, ये मॉन्ट्रियाल के अंदर है। और इसकी सुपरविजन कौन करता है, दैट इज द यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो इसी कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी में दो मेजर डेवलपमेंट आपको याद रखनी है, एक तो हुई थी 2010 के अंदर जिसके अंदर, और एक हुई थी सॉरी 2000 में लिख लेते हैं और 2010 में। जो 2000 के अंदर हुई थी उसको बोलते हैं कार्टाजीना प्रोटोकॉल। कार्टाजीना प्रोटोकॉल आप याद रखेंगे 2000 के अंदर हुई थी, इट वाज इन 2010। और जो हमारे पास नगोया प्रोटोकॉल हुई थी इसके अंदर, मैं यहाँ एन लिख रहा हूँ, यहाँ पे कार्टाजीना लिख रहा हूँ ऐसे, जो कार्टाजीना प्रोटोकॉल है उसके मेजर उसका एक करेक्टरिस्टिक या उस वर्डिक्ट क्या थी उसमें, दैट जिन मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ले जाने से वहां पर कोई परेशानी या किसी तरह का रिस्क हो सकता है, तो ऐसी चीजों को आप ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ले जाने के लिए कौन से रूल्स होंगे, परमिशन लेनी पड़ेगी या नहीं लेनी पड़ेगी। सो सच रूल्स वर डिजाइन अंडर द कार्टाजीना प्रोटोकॉल दैट वॉज मेंट फॉर द बायो सेफ्टी, जिसके अंदर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, यहाँ लिखा भी है ना लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, उन उनसे रिलेटेड जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो डिजाइन किए गए थे 2000 में, कार्टाजीना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी। सिमिलरली 2010 में आफ्टर 10 ईयर्स नगोया प्रोटोकॉल वाज साइंड, जिसके अंदर बात क्या थी, जैसे इंडिया के अंदर मैं अगर आपको एग्जांपल देता हूँ वेस्टर्न घाट का या हिमालयन रीजन का, वहां पर बहुत सारी ऐसी ट्राइब्स हैं जिन ट्राइब्स को बहुत ही ट्रेडिशनल नॉलेज है। ट्रेडिशनल नॉलेज का मतलब है कि सपोज उनको जड़ी बूटियों का ज्ञान है, उन जड़ी बूटियों के ज्ञान यानी कि जो उनको सदियों से चला आ रहा है, उनके फोर फादर्स ने उनको ट्रांसफर किया,
वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन उनके लिए एक तरह से असेट है। जो हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो उनके पास जाती हैं और उनसे वो फॉर्मूला ले लेती हैं और अल्टीमेटली उससे वो बिलियंस है ना, वो बिलियंस डॉलर्स जो है वो अर्न करते हैं और उनको कुछ भी नहीं मिलता। सो यहाँ पर जिन लोगों की वजह से फार्मास्यूटिकल कंपनीज को वो फॉर्मूला मिला, उन लोगों के लिए भी कुछ हमें बेनिफिट उन तक पहुंचाने पड़ेंगे। सो इसी को बोलते हैं बेनिफिट शेयरिंग उन लोगों के साथ। सो ये सारे सेटलमेंट कहाँ पर हुई? रूल्स एंड रेगुलेशन, इट वॉज सेटल्ड इन द नगोया प्रोटोकॉल, जिसके अंदर था एबीएस प्रोग्राम। एबीएस का मतलब है यहाँ पर एक्सेस टू द जेनेटिक रिसोर्सेज एंड द फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम देयर यूटिलाइजेशन। इट वॉज अडॉप्टेड इन नगोया और ये जापान के अंदर जो है COP 10 के अंदर बात हुई थी। ठीक है, सो यहाँ बस आपने सिंपली इतना ही याद रखना है, इतने से ही आपका काम चलेगा फिलहाल के लिए। दैट प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट किसके लिए आई है? दैट इज ए यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द बायोलॉजिकल यानी कि CBD के लिए आई है। और इसमें हमने ये देखा है कि हमने जो पिछले 10 सालों में कितनी प्रोग्रेस की है, क्या हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बचा पाए हैं या नहीं बचा पाए हैं। मॉन्ट्रियल इसका हेडक्वार्टर है, 2000-2010 में कार्टाजीना और नगोया, मैंने आपको ये बता दिया इसमें। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर ज्यादा ये वाला एरिया हमारे लिए पढ़ने का नहीं है, बट यस बाय ये हमारे पास बायनियल यानी कि हर 2 साल बाद ये रिपोर्ट आती है इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट इज अबाउट द FDI इनफ्लो टचेस। ठीक है, ये दैट इज अब की बार जो फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर यानी कि जो लास्ट ईयर हमारा गया है यानी कि मार्च 2020 से लेके मार्च 2021 तक जो हमारा ये फाइनेंशियल ईयर रहा है, उसके अंदर इंडिया ने $82 बिलियन के मतलब इंडिया में इन्वेस्टमेंट हुई है। इन्वेस्टमेंट जो है दो तरीके से होती है, आपने इसमें याद रखना है। इन्वेस्टमेंट जो होती है वो दो तरीके की होती है, एक को बोलते हैं हम FDI और एक को बोलते हैं हम FII। याद रखें आप इस चीज को। FDI का मतलब होता है सपोज कोई फॉरनर है, मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा एक डायग्राम उससे समझा देता हूँ आपको। मान लीजिए ये इंडिया के अंदर यहाँ पर कोई फैक्ट्री लगनी है जिसको मैं ऐसे शो कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, और यहाँ पर यह है यूएसए। यूएसए के लोगों के पास सपोज कोई वहां पे रिच लोग रहते हैं या लोग वहां के इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो जब इस फैक्ट्री को बनाने के लिए हेल्प करेंगे, यहाँ पर पैसा लगाएंगे कि जब ये फैक्ट्री बन जाएगी तो यहाँ पे बहुत अर्निंग होगी या यहाँ पर बहुत ज्यादा काम होगा और इस एरिया में जो प्रोडक्शन होगी इस फैक्ट्री से वो बहुत ज्यादा लोग यहाँ से बाय करेंगे, अल्टीमेटली ये फैक्ट्री बहुत चलेगी। तो इसीलिए यूएसए के और कंट्रीज के लोग इस पर पैसा लगाना शुरू करेंगे जिसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा। सो दैट इज नोन एज ए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि फैक्ट्री दिखती है इसीलिए हम इसको जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर काउंट करते हैं। ठीक है, और जबकि FII क्या होती है, ये मतलब एक टेंजिबल चीज होती है, मतलब क्या है, कोई चीज आपको दिखाई दे रही है, आप उसके ऊपर आप पैसा लगा रहे हो वहां पे। इसी तरह से यूएसए के कोई और कंट्री के लोग हमारे रोड्स को, हमारे एयरपोर्ट्स को, इन पर भी पैसा लगा सकते हैं और अल्टीमेटली ये चीज यहाँ पर आपको दिखाई देगी। ठीक है, सो टेंजिबल सोर्सेज को बनाने के लिए जो पैसा लगाया जाता है दैट इज नोन एज FDI। मेजरली मैं बता रहा हूँ, माइन्यूट डिफरेंसेज में नहीं जा रहा हूँ अभी। एंड वट इज FII? FII होता है जब कोई इन्वेस्टर, सपोज अगेन यूएसए का कोई बंदा है, यहाँ पे यूएसए का कोई पर्सन यहाँ की शेयर मार्केट जो हमारे इंडिया के शेयर मार्केट में पैसा लगाता है, तो इंडिया के शेयर मार्केट में जो पैसा लगाया जाएगा दैट इज नोन एज ए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। शेयर मार्केट जो शेयर्स होते हैं वो कोई दिखाई नहीं देते हैं कि हाँ ये शेयर है, क्योंकि आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स ही चलते हैं, तो जिसके पास पोजेशन में है उस तरह से है बस। ठीक है, सो शेयरों के लेन देन में पैसा लगाना या कंपनी के जो शेयर मार्केट में एक वैल्यू बनी होती है उस पर पैसा लगाना दैट इज नोन एज ए FII सिंपली। एक और भी डिफरेंस है यहाँ पर, सपोज ये मैं अभी आपको इसलिए बता रहा हूँ, लास्ट ईयर हमने ऐसा देखने में आया, जो फेसबुक है, फेसबुक ने अंबानी की कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, उसके अंदर उन्होंने नियरली 9.9% की जो शेयर होल्डिंग ली है वहां पर, उन्होंने मतलब वहां पर FII लगाया है। क्योंकि अगर फेसबुक रिलायंस इंडस्ट्री के 10% शेयर ले लेता, अगर फेसबुक रिलायंस इंडस्ट्री के 10% शेयर ले लेता तो उसकी वजह से क्या हो सकता था, जब भी कभी 10% से ज्यादा कोई शेयर लेता है कंपनी के यानी कि FII की बात हो रही है, तो वो FDI कंसीडर होता है। जब भी कभी
आप किसी कंपनी के 10% से ज्यादा शेयर बाय करने वाले हो, देन दैट वुड बी कंसीडर्ड एज द FDI रादर देन द FII। सो ये चीज आपने याद रखनी है। FDI जो होती है वो परमानेंट नेचर की होती है, और ये रातों रात यहाँ से, ऐसा तो नहीं हो सकता कि फैक्ट्री यहाँ से चली जाएगी या रोड जो बनाई है इतने पैसों से वो खत्म हो जाएगी, है ना, वो नहीं हो सकता। लेकिन FII क्या होता है, आज आपके पास शेयर आपने मार्केट में पैसा लगाया और कल निकाल लिया। सो दैट इज वाई इन कंपेरिजन टू द FDI, FII इज मोर वोलाटाइल इन नेचर, फॉरन इन्वेस्टमेंट और फॉरन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, FII। ठीक है, सो हमारे लिए सबसे अच्छी क्या होती है, FDI, क्योंकि यहाँ पर एक परमानेंट स्ट्रक्चर या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है जिसकी इंडिया को काफी ज्यादा जरूरत है। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे आबादी बहुत है ना, पॉपुलेशन एक रिसोर्स है हमारे लिए। सारे वर्ल्ड को लगता है कि अगर हम इंडिया में अपना कोई बेस बना लेना तो इंडिया में जाकर हमारा प्रोडक्ट डेफिनेटली बिकेगा, क्योंकि लोग बहुत हैं हमारे लेने वाले, ये रीजन है। ठीक है, नाउ वी आर डीलिंग विद द टॉप इन्वेस्टर्स दैट सिंगापुर इमर्ज। इट वॉज अ पावर कट इशू। सो आई वॉज टेलिंग यू अबाउट द FDI इनफ्लो, एंड जिसमें FDI और FII से रिलेटेड अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, नेक्स्ट इसके साथ देख रहे हैं आप दैट सबसे ज्यादा पैसा इंडिया के अंदर कहाँ से आया है, कौन सी कंट्री से आया है। सो सिंगापुर से आया है सबसे ज्यादा पैसा, जो टॉप इन्वेस्टर आया हमारे लिए। ठीक है, सिमिलरली उसके बाद USA से बहुत सारा पैसा आया एज अ FDI, और थर्ड नंबर पे दैट्स अ मॉरिशियस। बट यस, सिंगापुर को आप याद रखेंगे, सिंगापुर USA आर द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। ओके, नेक्स्ट इज उसमें देख रहे हैं हम जो शार्पेस्ट ग्रोथ है, यानी कि कौन सी कंट्री ने बहुत जल्दी काफी ग्रोथ की है इसमें FDI करने में, वो है हमारे पास सऊदी अरेबिया। सिंपली आपने डेटा याद नहीं रखना है कि कितने परसेंट आया कितने नहीं, बट यस आपको मेजर ट्रेंड्स पता होने चाहिए कि अब की बार का कौन है। ठीक है, इसमें देखते हैं आगे। सबसे ज्यादा FDI यहाँ पे देखते हैं आप, इसको गुजरात ने रिसीव की है, मैक्सिमम FDI गुजरात रिसीव उसने गुजरात ने की है, देन आफ्टर द महाराष्ट्र, एंड थर्ड वन इज ही कर्नाटका। और सबसे ज्यादा FDI कौन से सेक्टर में हुई है, दैट्स अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड द हार्डवेयर के उसमें। तो आप याद रखेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के लिए ही सबसे ज्यादा FDI दी गई है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं दीज आर फॉलोड बाय द कंस्ट्रक्शन और बाकी एक्टिविटीज में जैसे सर्विस सेक्टर एक्सेट्रा। ठीक है, द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट द व्हाइट फ्लाइज। व्हाइट फ्लाइज देख लीजिए पहले कैसी होती है। ये व्हाइट फ्लाइज हैं जो आपकी स्क्रीन पर अभी आपको नजर आ रही है यहाँ पे। ये व्हाइट फ्लाइज जो है ना काफी ज्यादा प्रोपेगेट कर रही हैं, क्योंकि ये एक तो इनका रीजन क्या है, ये काफी तरह के फूड स्टफ पर अपने सर्वाइविंग एंश्योर कर लेती हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट स्टडी द एक्सोटिक इन्वेजिव व्हाइट फ्लाइज इन इंडिया कैन कोज द डायरेक्ट एंड द इनडायरेक्ट यील्ड लॉसेज इन द एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड द फॉरेस्ट्री क्रॉप प्लांट। यानी कि मतलब क्या है, जो व्हाइट फ्लाइज हैं ये हमारी जो एग्रीकल्चरल क्रॉप्स हैं उनके ऊपर वहां पर रिजाइड करती हैं, और अल्टीमेटली उनको खराब कर देती हैं सारे, है ना, जो लीव्स हैं वहां पर। ये टाइनी है जैसा आपने देख ही लिया है। उसके बाद देखें यहाँ पे फर्स्ट रिपोर्ट, जब पहली बार मतलब व्हाइट फ्लाइज को कहाँ पे रिपोर्ट किया गया था ये, हालांकि थ्रू आउट द इंडिया हमने इसको ऑब्जर्व किया है, लेकिन एक्सेप्ट द जम्मू एंड कश्मीर। सिमिलरली इसी तरह की कुछ और भी इनकी वेरिएशंस हैं, उधर स्पीशीज हैं, उन स्पीशीज के ऊपर भी अलग से यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है। ये हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो सेम स्लाइड में आपको ना ये समझने को मिलता है कि कौन सी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी चीजें नहीं है। ये सारी के सारी यहाँ देखिए वर्ड यहाँ पे लिखा है एक्सोटिक। एक्सोटिक का मतलब होता है जो इंडिया में शुरू से यहाँ नहीं मिलती हैं, लेकिन मतलब क्या है उसमें कि दैट इंडिया में वो नहीं मिलती हैं बट लेटर ऑन स्टेजेस पर वो धीरे धीरे मिलना शुरू कर देती हैं बाद में, क्योंकि वो किसी और कंट्री से हमारे इंडिया में एंटर कर जाती हैं। दैट मोस्ट ऑफ द व्हाइट फ्लाई स्पीसीज आर नेटिव टू द कैरेबियन आइलैंड्स। कैरेबियन आइलैंड कहाँ पर है, सेंट्रल अमेरिका में है, वहां से ये व्हाइट फ्लाइज आई है। ठीक है, ये आपके सामने नजर आ रही है आपको। इनका रीजन क्या है, क्योंकि एक तो पॉलीफेगस होती है ये ना इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है इतनी, सिंपली आपको बताना चाहिए कि हमारे जो क्रॉप्स हैं, एग्रीकल्चर है, उसको नुकसान पहुंचाने वाले रीजन कौन से हैं, जैसे कि व्हाइट फ्लाई की बात हो रही है, सिंपली इतना याद रखना है हमने। इसका रीजन क्या है प्रोपेगेट करने का ज्यादा, क्योंकि ये पॉलीफेगस होती है नेचर की, जिसका मतलब है कि डिफरेंट तरह के फूड स्टॉक पर ये सर्वाइव करती हैं, और इनकी प्रोलिफिक ब्रीडिंग है, बहुत जल्दी ब्रीड करती हैं ये सिंपली। ठीक है, आपने इसमें इतना याद रखेंगे।
इसकी वजह से ही हमारे यहाँ पे कोकोनट और जो ऑयल पाम है उस पर ज्यादा मतलब ये जो क्रॉप है इस पर ज्यादा नुकसान अभी सहना पड़ रहा है, मतलब इस उसको एग्रीकल्चर को। ठीक है, इनके लिए हम जो है ना इसके अलावा आप यहाँ पर आए पहले, इसी तरह के कुछ और अटैक्स भी देखे गए हैं। जैसे कि आप इसको देखें, ये हमारे पास है FAW, ये आपने नॉर्मली देखा भी होगा। ये देखिए यहाँ पे ग्रास को जो है या किसी भी लीव को ये धीरे धीरे खाना शुरू कर देता है और अल्टीमेटली सारा सारा लीव खराब हो जाता है। जैसे ही लीव्स खराब होने शुरू हो जाएंगे तो फिर वहां पर अगर लीव्स खराब हो गए तो नेचुरली जो फोटोसिंथेसिस है वो कौन करेगा, है ना, इसीलिए क्रॉप को नुकसान होता है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं, FAW क्या है, फॉल आर्मी वर्म अटैक, इसका अटैक होता है। अभी इसमें देखते हैं, इट इज डेंजरस ट्रांसबाउंड्री इंसेक्ट विद द हाई पोटेंशियल टू स्प्रेड रैपिडली ड्यू टू द नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी एंड अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंटेड बाय द इंटरनेशनल ट्रेड। इन 2020 डायरेक्टोरेट ऑफ द एग्रीकल्चर, जो हमारे यहाँ पे डायरेक्टोरेट ऑफ एग्रीकल्चर है, उन्होंने ये कहा कि असम के धेमाजी डिस्ट्रिक्ट में जो अभी अटैक हुआ है, इसीलिए FAO यानी कि वर्ल्ड लेवल की जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने कहा है कि हमें FAW को रोकना होगा। ठीक है, FAW को रोकना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये काफी ज्यादा और नुकसान पहुंचा सकते हैं। मतलब ये आपको ना सिर्फ एक इंफॉर्मेशन के लिए पता होना चाहिए, एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या डेवलपमेंट है अभी, फॉल आर्मी वर्म अटैक, तो यही है फॉल आर्मी वर्म अटैक, ये वाला जो आप देखते हैं। ठीक है, इसके अलावा अभी आपने देखा था ड्यूरिंग लॉकडाउन, जो लास्ट लॉकडाउन गया था उसमें देखा था लोकस्ट इन्वेजन। लोकस्ट इन्वेजन क्या है, अ लोकस्ट दैट्स अ माइग्रेटरी इंसेक्ट ऑल्सो नोन एज ए टिड्डी। ठीक है, जो बोलते हैं ना टिड्डी दल या टिड्डी, पाकिस्तान की तरफ से की बार हमारे राजस्थान और गुजरात में एंटर कर गई थी और उसकी वजह से बहुत सारे जो क्रॉप्स को बहुत नुकसान हुआ था, इसीलिए ये स्वाम आता है पूरा पूरा का पूरा, जैसे ना झुंड आता है और वो स्वाम्स बहुत जल्दी फैल जाते हैं और एक ही मतलब कुछ ही मिनटों में पूरे के पूरे जो क्रॉप फील्ड्स को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। सिमिलरली एक हमारे पास अटैक हुआ था अभी पिंक बॉलवर्म का। पिंक बॉलवर्म का जो अटैक होता है वो इस तरह, देखिए आप कॉटन, एक हेल्दी कॉटन ऐसी होती है, उसके ऊपर अटैक हो जाएगा तो कुछ फिर देखिए ऐसी होनी शुरू हो जाएगी और फिर ये और फिर ये। सो ये क्यों हो रहा है यहाँ पर, बिकॉज यहाँ पिंक बॉलवर्म का अटैक हुआ है। सो इट इज अ इंसेक्ट फॉर बींग अ पेस्ट इन द कॉटन फार्मिंग, तो कॉटन फार्मिंग के लिए रहता है। आपसे क्वेश्चन वो पूछ लेगा दैट पिंक बॉलवर्म कौन सी पर्टिकुलर क्रॉप को नुकसान पहुंचाते हैं, तो आप कहोगे कॉटन फार्मिंग को नुकसान पहुंचाते हैं वो। ठीक है, ये न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं जो आपको बताऊं तो आपने सिर्फ उस पर फोकस करना जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है। व्हाट इज ट्रिब्यूनल, पहले आप उस पर बात करते हैं। देखिए अगर कभी भी कोई लीगल परेशानी आ जाती है, कोई आपके राइट्स आपसे छीन लेता है और आपको आपका ड्यू नहीं मिलता है प्रॉपरली, तो आप कहाँ जाते हैं, आप जस्टिस के लिए कोर्ट्स तक जाते हैं। लेकिन कोर्ट्स ऑलरेडी इतनी बर्डनसम है कि उनके पास आपके छोटे छोटे पेटी इश्यूज को सुनने का टाइम नहीं है। कोर्ट के पास एक्चुअली हर चीज की नॉलेज नहीं होती है, जैसे कुछ स्पेसिफिक चीजों की नॉलेज नहीं होती है, जैसे काफी टेक्निकल इश्यूज। तो इसीलिए ना गवर्नमेंट ने ये सोचा है कि एक ऐसी स्पेशलाइज मैकेनिज्म या इंस्टीट्यूट हमें डेवलप करना होगा जो कि सिर्फ एक ही पर्टिकुलर तरह की चीजों से डील करेगी, जैसे कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये ट्रिब्यूनल सिर्फ उन्हीं चीजों से डील करेगा जो एनवायरमेंट से रिलेटेड केसेस होंगे, उन पर ये अपना फैसला सुना देगा। तो अभी इसी ट्रिब्यूनल ने, जो इसका नाम है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो 2010 में बना था, और वो इसका एक काम क्या रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए सभी के लिए, दैट एनजीटी इज मैंडेटेड टू मेक डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन और अपील फाइनली विद इन द 6 months, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आज आपने केस लगा दिया एनजीटी में तो 6 महीने के अंदर उस पर फैसला डेफिनेटली आएगा, तो मतलब जस्टिस डिलेड नहीं होगा। ठीक है, द एनजीटी हैज अ 5 places ऑफ द सिटिंग, पहले हम एनजीटी की बात कर रहे हैं, एनजीटी कहाँ कहाँ पर है, ये न्यू दिल्ली के अंदर भी है और जो प्रिंसिपल ऑफिस है न्यू दिल्ली में, नेचुरली वो तो हमें पता ही होगा, और इसके अलावा कहाँ पर है, भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई। ये पेपर में क्वेश्चन हो सकता है, प्रोबेबल क्वेश्चन है, बिकॉज हमें लगेगा कि चारों मेट्रो सिटीज में ही होगा, लेकिन वहां पे नहीं है ये चारों। हमारे पास जो कोलकाता, चेन्नई और आपके भोपाल और पुणे, इन एरियाज में यहीं पर है इसका जो एडिशनल सब ऑफिसेस, लाइक क्योंकि ये किसी एक्ट से बना है, इसीलिए एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि ये कोई डिसीजन सुनाती है, फैसला सुनाती है, इसीलिए एडजुकेटरी बॉडी है। ठीक है, जैसे कोर्ट्स काम करती हैं।
तो आप मतलब अगर किसी कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया तो आप यहाँ पर भी अपील कर सकते हैं, ठीक है। ये आप देखते हैं इन्होंने किया कहा क्या है। इस इंस्टीट्यूट ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा है कि जितने भी गुजरात के बानिंग ग्रासलैंड में एंक्रोचमेंट हुई है उनको 6 मंथ्स के अंदर रिमूव कर दिया जाए। अब यहाँ पे देखते हैं ये इशू है क्या। द कोर्ट हैज ऑल्सो सेड दैट द मालधारी, वेरी इंपॉर्टेंट मालधारी, ये क्वेश्चन आ जाता है दैट मालधारी जो पास्टोरलिस्ट कम्युनिटी है वो कहाँ की कम्युनिटी है, ठीक है। दैट मालधारी जो पास्टोरलिस्ट है विल कंटिन्यू टू होल्ड द राइट टू कंजर्व द कम्युनिटी फॉरेस्ट फॉरेस्ट इन द एरिया ग्रांटेड टू देम एज पर द प्रोविजन इन द सेक्शन 3 फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। सबसे पहले आप इसमें ये देखें कि ये जगह कहाँ पर है। आप यहाँ देख रहे हैं पहले डायग्राम नंबर, ये ए है और ये बी है। डायग्राम नंबर बी में देखें आप, बी डायग्राम में आप इस जगह पे ये एरिया देख रहे हैं, ये वाला एरिया यही है हमारे पास बानी, बानी प्लेन्स। बानी प्लेन्स जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है। एक रीजन क्या है इसका, मैं इसको बता देता हूँ आपको। इन प्लेन एरियाज में एक्चुअली ये लार्जेस्ट ग्रासलैंड है एशिया की, जो कि नियर द ग्रेट रन ऑफ कच्छ वहां पर ये सिचुएटेड है। गुजरात में अगर 100% पास्चर लैंड है तो उसका 45% एरिया ओनली बानी ग्रासलैंड्स के अंदर ही है। यहाँ पर दो तरह की हमें एक इकोसिस्टम मिलते हैं, एक तो वेटलैंड भी मिलती है मतलब काफी पानी भी है इन एरियाज में, और ग्रासलैंड भी यहाँ पर अवेलेबल है, काफी रिच फ्लोरा फोना है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या रहता है, बानी एरिया में आपको एक यहाँ इन एरियाज में जो बानी ग्रासलैंड है यहाँ पर एक हमें स्पेशल, दोबारा लिख देता हूँ, यहाँ पे खराई कैमल मिलता है हमें। यहाँ पे खराई कैमल जो है आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा एनहांस व्यू दिखाता हूँ इसका। ये यहाँ पे जो कैमल्स मिलते हैं उनके आप यहाँ पे एक सब कैटेगराइजेशन देख लीजिए। सिंधी कैमल जिसके अंदर आप देख रहे हैं सिंगल हम्प नजर आ रहा है आपको, ये वाला हम्प। सेकेंड है मारवाड़ी, मारवाड़ी में ज्यादा हम्प नहीं होते हैं, और एक होता है खराई, खराई कैमल होते हैं, ठीक है। तो खराई कैमल वगैरह की बात हो रही है अभी। जो खराई कैमल्स हैं ये एक्चुअली जब यहाँ पर पानी भर जाता है, आप यहाँ पे देख रहे हो इन एरियाज में, जब इनके ऊपर स्ट्रेस सिचुएशन होती है ना तो ये मतलब जो है ना तैर कर काफी ज्यादा एरिया या तैरने के बाद मतलब कहाँ पहुंच जाते हैं, ये मैनग्रूव्स पर पहुंच जाते हैं। ये मैनग्रूव जो होते हैं वो एक वेजिटेशन होती है जो आमतौर पर आपको कहाँ पे मिलती है, ये हमें कोस्टल एरिया पे मिलने वाली वेजिटेशन होती है, जैसे कि आपने इसके अंदर यहाँ पे देखा अभी। सो इन एरियाज में यहाँ तक ये पहुंच जाते हैं तैरने के बाद। तो अपना ये खराई एनिमल जो खराई कैमल्स हैं ये पूरे साल में लगभग 8 महीने अपने इन मैनग्रूव एरियाज में ही मतलब अपना सर्वाइव, हाँ अपना सर्वाइव जो है यानी सर्वाइवल अपना इंश्योर यहीं पर करते हैं आपने, ठीक है। सो खराई एंड जो कैमल्स हैं इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, आपने इसमें ध्यान रखना है खराई कैमल्स, ठीक है। कहाँ पर है, बानी, बानी प्लेन आपको बता दिए बच्चों। इसी जगह पर रहते हैं जो पास्टोरलिस्ट हैं उनका नाम है, यानी पास्टोरलिस्ट कौन होते हैं, जो अपने जैसे जो उनके एनिमल्स हैं उनकी एनिमल्स के लिए जो फॉर्डर वगैरह उन्होंने पिक करना है या फॉर्डर को लेके आना, जहाँ एक जगह पे फॉर्डर मिल गया फिर वहां पे खत्म हो गया तो किसी दूसरी जगह चले जाना, मतलब क्या है फॉर्डर की खोज में तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहना, और इस तरह से अपने जो मिल्चिंग एनिमल्स हैं या ड्रॉट एनिमल्स हैं उनका ध्यान रखना, उनको बोलते हैं पास्टोरलिस्ट। उन पास्टोरलिस्ट कम्युनिटीज में से कम्युनिटी है दैट इज नोन एज मालधारी। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मालधारी कहाँ पर रहते हैं, तो आप कहोगे वो बानी प्लेन एरिया में रहते हैं। माल एक्चुअली वो बोलते हैं कि आप उनके कैमल्स को, क्योंकि वो उनके लिए एक तरीके से एक असेट है उनके लिए, तो मालधारी, ठीक है, जिनके पास कैमल्स हैं उनको वो बोलते हैं मालधारी, ठीक है। हाँ यस, बंजारे होते तो हैं बट बंजारों के पास एनिमल्स नहीं होते है ना, वो भी और ज्यादा एनिमल्स नहीं होते हैं मतलब। तो अभी ना मालधारी
वहां मालधारियों की जो लैंड है उस पर कुछ एंक्रोचमेंट हुई थी, उसकी वजह से उस एंक्रोचमेंट को हटाने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा है कि अगले 6 महीने के अंदर जो है वहां से एंक्रोचमेंट हटा दो। ठीक है, आपके सामने अब यहाँ पर इसी जगह पर एक और भी हमें इंपॉर्टेंट फिनोमेना देखने को मिलता है यहाँ पर इस एरिया में। देखिए दोबारा इन एरियाज में जो यहाँ पर मैं एरिया बना रहा हूँ ये वाला, गुजरात के इन एरियाज में ही हमें ऊपर तो है बानी आइलैंड और नीचे की तरफ यहाँ बन रहा हूँ जहां मैंने जी लिखा है, यहाँ है गिर, ये है गिर फॉरेस्ट। तो गिर फॉरेस्ट में मिलते हैं हमें यहाँ पे एशियाटिक लायन, याद रखना है आपने। एशियाटिक लायन कहाँ मिलते हैं हमें? गिर फॉरेस्ट के अंदर मिलते हैं। ठीक है, ये मैं गुजरात से रिलेटेड आपको इन्फो दे रहा हूँ सिंपली। मालधारीज के बारे में आपको मैंने बता दिया कि ये ट्राइब हर्ड मैन कम्युनिटी है जो कि बानी में रहती है, और लिटिल मीनिंग क्या है मालधारी का? कीपर यानी धारी ऑफ द एनिमल स्टॉक सिंपली। ओके अच्छा एक चीज में देखते हैं दैट फॉरेस्ट राइट एक्ट क्या है। यहाँ पर आपके सामने बात आई है फॉरेस्ट राइट एक्ट क्या है। फॉरेस्ट राइट एक्ट के अकॉर्डिंगली ये है कि जो लोग ट्राइब्स हैं और जंगलों में रहते हैं वो उन लोगों का कुछ राइट है जिस राइट को एंक्रोच नहीं किया जा सकता किसी भी कंडीशन में। सपोज कोई एक फैमिली रह रही है बहुत टाइम से रह रही है जंगलों के बीच में, और एक दिन कोई प्राइवेट पर्सन जाता है या सरकार जाती है उसको कहती है कि आप ये जगह खाली कर दो हमने यहाँ कुछ बनाना है, तो उनके पास कोई कागजात नहीं है, कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, क्योंकि वो लोग इतने अवेयर नहीं है मॉडर्न सोसाइटी से कि उनको ये चीजें पता हो। इसीलिए ऐसे इनोसेंट लोगों के लिए यानी कि ट्राइब्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉरेस्ट राइट एक्ट लेके आए थे 2006 का, जिसके अकॉर्डिंगली ऐसे ट्राइब मैन को आप वहां वहां पर एटलीस्ट 4 हेक्टेयर यानी कि जो 4 हेक्टेयर की लैंड है वो आप दोगे और उस पर उसका लीगल राइट होगा 4 हेक्टेयर की। ठीक है, और आप उनको ऐसे नहीं वहां से डिस्प्लेस कर सकते। ठीक है, अब एक ही प्रोविजन पढ़ लेते हैं, फॉरेस्ट ड्वेलर्स कैन नॉट बी डिस्प्लेस्ड अनलेस द राइट सेटलमेंट प्रोसेस हैज बीन कंप्लीटेड। आप उनको वहां से हटा नहीं सकते जब तक कि पूरी तरह से हमने राइट इंश्योर ना कर दियो कि हाँ वाकई किसी और का राइट है यहाँ पर, बाद में ट्राइब्स आए हैं। मोरओवर द एक्ट हैज स्पेशल प्रोविजन फॉर सेटिंग अप द क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द स्पीसीज। यहाँ पर कंजर्वेशन करने के लिए कई बार उनके राइट्स को हम एब्रोगेट कर सकते हैं, ऐसा इस राइट में लिखा लिखा भी गया है इस एक्ट के अंदर। ठीक है, इट स्ट्रेंथन्स द कंजर्वेशन रेजीम ऑफ द फॉरेस्ट वाइल एंश्योरिंग द लाइवलीहुड एंड द फूड सिक्योरिटी यानी कि ऑफ द फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड द अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स। यहाँ पे कंजर्वेशन रेजीम के अकॉर्डिंगली इनकी लाइवलीहुड और फूड सिक्योरिटी को एंश्योर किया गया है सिंपली। और देखते हैं क्या है, इनको 4 हेक्टेयर तक की लैंड पर इनका राइट रहेगा, मैक्सिमम राइट, ये नहीं कि सभी को 4 हेक्टेयर ही मिलेगी, बट यस एक ट्राइबल को 4 हेक्टेयर से ज्यादा की लैंड वो नहीं देंगे सिंपली। ठीक है, आगे देखते हैं, द राइट्स ऑफ द ड्वेलर्स एक्सटेंड टू द एक्सट्रैक्टिंग द माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड द ग्रेजिंग एरियाज। जो वहां पे रहने वाले ट्राइबल्स हैं वो अपने एनिमल्स को वहां उनको फोडर प्रोवाइड कर सकते हैं, जो वहां पर बैम्बूज वगैरह हैं या कोई रेजिन है गम है ना, जो एक आपने देखा होगा गम्स वगैरह निकलते रहते हैं पेड़ों से, या महुआ फ्लावर्स हैं उनको कलेक्ट कर सकते हैं, ये इनका राइट है। ठीक है, द रिलीफ एंड द डेवलपमेंट राइट्स, द रिलीफ एंड द डेवलपमेंट राइट्स टू रिहेबिलिटेट इन केस ऑफ द इलीगल एविक्शन और द फोर्स डिस्प्लेसमेंट एंड टू द बेसिक एमिनिटीज सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शन फॉर द फॉरेस्ट प्रोटेक्शन। ये ज्यादा जो है ना हमारे पास काम आएंगे जो मेंस की हम प्रेपरेशन करेंगे तब की बात है, फिलहाल के लिए जो इसमें इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट जिसको आप चीकू बोलते हो, ये चीकू से रिलेटेड है, द एक्सपोर्ट ऑफ द जीआई सर्टिफाइड घोलवड़ सैपोटा। ठीक है, यहाँ पर अभी महाराष्ट्र में जो स्पेशल चीकू होता है उसको बोलते हैं ये घोलवड़ सैपोटा यानी घोलवड़ चीकू, इसको इंडिया ने भी एक्सपोर्ट किया है इसीलिए न्यूज में था। तो ये वाला जो है ना दहानू घोलवड़ सैपोटा को हमने एक्सपोर्ट किया यूनाइटेड किंगडम में, ये न्यूज इस तरह से इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट किस लिए है कि ये जीआई टैग है सिंपली। ठीक है, इंडिया में जो चीकू होता है जो सपोटा है वो कहाँ कहाँ पर है? कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश,
इन एरियाज में ये सभी याद नहीं करने हैं। और यहाँ पर कर्नाटका जो है हाईएस्ट ग्रोअर ऑफ द फ्रूट है, सिंपली बस थोड़ा इतना अगर याद रहे तो अच्छी बात है। ये यूनिक क्यों है? कोई भी प्रोडक्ट अगर नेचर से हमें मिलता है और वो यूनिक इसलिए हो जाता है, अगर वो यूनिक हो जाता है तो हम उसको जीआई टैग देते हैं। जैसे इसको जीआई टैग इसलिए दिया है क्योंकि इसका एक अलग सा यूनिक सा टेस्ट है इसका। क्यों? बिकॉज इट इज डिराइव फ्रॉम द कैल्शियम रिच सोयल जो उस विलेज में होती है, वहां पे कैल्शियम है उस सोयल में, इस विलेज की, ठीक है, घोलवाड़ में। तो उस वजह से इसका यूनिक टेस्ट है, इसलिए इसको जीआई टैग दिया गया है। महाराष्ट्र से और भी ऐसे नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग मिला है, लाइक अल्फांसो मैंगो, ठीक है, पुनेरी पगड़ी, नासिक वैली वाइन, महाबलेश्वर स्ट्रॉबेरी और वर्ली पेंटिंग। बहुत फेमस है वर्ली पेंटिंग, तो आपको ये पता होना चाहिए, अल्फांसो मैंगो, वर्ली पेंटिंग, नासिक वैली वाइन, महाबलेश्वर स्ट्रॉबेरी। इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये ना चीजें आ जाती हैं यूपीएससी मैक पीस, ठीक है, पुनेरी पगड़ी एक्सेट्रा। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ये सर्टिफिकेट कौन देता है और किसको मिलता है? इट इज एन इंडिकेशन यूज टू आइडेंटिफाई द गुड्स हैविंग द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द डेफिनेट ज्योग्राफिकल टेरिटरी। एक पर्टिकुलर टेरिटरी पर ही मिलनी चाहिए वो चीज, ये नहीं हर जगह मिल रहा है वो, तो हर किसी को नहीं मिलेगा ये वाला टैग, सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो पर्टिकुलर टेरिटरी में ही है, ठीक है। और ये एक्ट कब हुआ था पास? 1999 के अंदर। सो ये इंपॉर्टेंट थी हमारे लिए यहाँ से न्यूज। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट एमसीए वर्जन 3.0। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए व्हाट इज एमसीए। एमसीए एक तरीके का पोर्टल है जिस पोर्टल पर सारे के सारे जितने भी कॉरपोरेट अफेयर से रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन या हमारी विजन क्या है वो सारा कुछ यहाँ पे दिया जाता है और सारा डेटा यहाँ पर मिल जाता है, जिसकी वजह से जो बाहर की फॉरेन कंपनीज हैं वो अगर इंडिया में बिजनेस करना चाहती हैं तो उनको इजीली अवेलेबल हो जाता है वो सारा डेटा। तो उस पोर्टल को बोलते हैं MCA 21, सिंपली। तो अभी जो है ना मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर का पोर्टल है वो 21, उसका अभी 3.0 वर्जन आया है जिस पर हमने और भी डेटा अपलोड किया है सो दैट सबको डेटा इजिली अवेलेबल हो जाए, ठीक है। क्योंकि इंडिया अपने यहाँ पर जो इम्प्रूव करना चाहता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को। एमसीए की फुल फॉर्म क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का जो 21 वर्जन 3.0, जिसको ये बोलते हैं डिजिटल कॉर्पोरेट कंप्लायंस पोर्टल, ठीक है। तो इंडिया अपने यहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को, उसकी रैंकिंग को इम्प्रूव करना चाहता है। ये रैंकिंग कौन देता है, रिपोर्ट कौन देता है? वर्ल्ड बैंक। ये क्वेश्चन आता है पेपर में, दैट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट इज गिवन बाय वर्ल्ड बैंक, सिंपली। तो आपने एक चीज याद रखनी है, आगे देखते हैं, इसमें और इन्फॉर्मेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी। एक अभी नेशनल अवार्ड मिला है रिसाइकलिंग ऑफ द कार्बन टेक्नोलॉजी, वो किसे मिला है अभी? ये नेशनल अवार्ड दिया गया है फ्रॉम द टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड ने दिया है ये अवार्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ द CO2 टू द केमिकल्स एंड द फ्यूल। एक बैंगलोर बेस्ड स्टार्टअप है। यहां मैंने ये न्यूज इसलिए चूज की है क्योंकि मैंने आपको ये वर्ड बताना है, दैट इज नोन एज CCUS। वट इज CCUS? इसमें देखते हैं, अभी इसको समझते हैं पहले। तो जो एंथ्रोपोजेनिक रीजंस की वजह से जो हम एनवायरनमेंट में CO2 को रिलीज करते रहते हैं, उस CO2 को अल्टीमेटली उससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। उस ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए बेटर ये है कि एक्सेसिव CO2 को हम कैच कर लें। तो वो कैच करने की जो एक टेक्नोलॉजी है वो किस तरह से वर्कआउट करेगी, वो महंगी होती है नो डाउट, लेकिन वो कैसे काम करती है, तो उसको बोलते हैं CCUS टेक्नोलॉजी, यानी कि कार्बन कैप्चर। कार्बन को पहले तो पकड़ लो, फिर उसको यूटिलाइज करो और उसको एक सिक्वेस्ट्रेशन यानी कि पकड़ कर यूज करके उसको दोबारा से फिक्स कर दो। फिक्स करके मतलब सपोज मैं बताता हूँ कैसे हो सकता है। मान लीजिए जो एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड पड़ी है, मैं उसको किसी तरह से, कोई मेरे पास एक ऐसा एक सरफेस हो, रॉक सरफेस हो जिस पर कार्बन जल्दी अटैच हो जाए। कार्बन अटैच हो गई और जब ये कार्बन अटैच होगी, जब ये कार्बन अटैच हो जाएगी, उस कार्बन की अटैचमेंट के बाद, आप समझ रहे हैं, सपोज ये एनवायरनमेंट
हम यहाँ पर हैं, ये कोई रॉक है और ये एनवायरनमेंट के अंदर CO2 पड़ी है। ये CO2 इसके ऊपर एब्जॉर्ब हो जाए, फिक्स अप हो जाए और फिर हम इसको किसी तरह से यूज कर लें CO2 को, ठीक है। और देन आफ्टर इनको हम इस सारे जो पत्थर को, क्योंकि इसके ऊपर यहाँ पर बहुत सारी CO2 लगी हुई है इसके साथ, मान लेते हैं बाद में आप इसको जो है सीधा ओशन में गिरा दो। तो ये एनवायरनमेंट से हमने CO2 को पकड़ कर यूज करके उसको फिक्स अप करके नीचे डाल दिया, अब वो वहां से नहीं निकलेगी। सो दैट इज नोन एज ए CCUS टेक्नोलॉजी। तो अभी जो स्टार्टअप है, जो भी बैंगलोर बेस्ड स्टार्टअप है, उन्होंने यही एक टेक्नोलॉजी शो की है और इससे जो है हम कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से मेथेनॉल और अदर केमिकल्स को बना पाएंगे, ऐसा इन्होंने शो किया है अभी, ठीक है। नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें सीधे सीधे बात आप याद रखें, बहुत सारे क्वेश्चन है इस स्लाइड से। अभी CBI के जो न्यू डायरेक्टर हैं, एक नई अपॉइंटमेंट की गई है, मिस्टर सुबोध कुमार जायसवाल। ओके, सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब होता है, मैं पीछे जा रहा हूँ, सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब रहता है कि आप किसी चीज को परमानेंटली फिक्स अप कर देते हैं। आपने कुछ चीज पकड़ ली, इसका मतलब ये नहीं फिक्स कर दिया आपने, कुछ चीज दोबारा भी जा सकती है, लेकिन आपने पकड़ लिया, उसको यूज भी कर लिया, जैसे मेथेनॉल बना लिया, आफ्टर दैट उस CO2 को आपने फिक्स पोजिशन पर ही यहाँ पर अर्थ पे रखा है, आपने एनवायरमेंट में नहीं छोड़ा उसे, दैट इज नोन एज ए सिक्वेस्ट्रेशन, ठीक है। इसमें आगे चलें, अपॉइंटमेंट ऑफ दी CBI डायरेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये न्यूज, इसमें ध्यान से देखते चलें। मिस्टर सुबोध कुमार जायसवाल, वो लकीली यानी कि आज के न्यूज़पेपर में भी है कि वो चंडीगढ़ में भी पढ़े हैं, PU में। तो ये जो है 1985 बैच के IPS ऑफिसर हैं, एट द एज ऑफ 23 ये IPS ऑफिसर बन गए थे और अब जाकर ये CBI के डायरेक्टर बने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूज, मैं जो जो कहूंगा आपने इसमें याद रखना है। पहला क्वेश्चन कि डायरेक्टर जो CBI का बनता है वो कौन से एक्ट के अंडर बनता है, तो आप कहेंगे दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, उनके प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली CBI के डायरेक्टर को चुना जाता है। CBI अपने आप में क्या है, CBI एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो क्राइम और जो सेंट्रल गवर्नमेंट क्राइम के लिए जब एक फर्दर इन्वेस्टिगेशन चाहिए होती है तब CBI को वो केस हैंड ओवर कर देते हैं और CBI उस पर पूरी अच्छी तरह से छानबीन करके रिपोर्ट देती है, ठीक है। काफी ट्रस्ट वर्दी इंस्टीट्यूट है हमारे लिए CBI, और CBI वॉज सेटअप इन द 1963। ये किसी भी एक्ट से नहीं बनाया गया था, तो आपको याद रखना है ये एक रेजोल्यूशन पास किया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, सिंपली उन्होंने कहा था कि ऐसा बना देते हैं, बस सिंपली उन्होंने बना दिया था, कोई एक्ट पास नहीं किया था। लेकिन आज जो CBI है ये वर्क करती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के नीचे नहीं, बल्कि ये इसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग है ना, जब आप UPSC का एग्जाम क्लियर कर जाएंगे तो यही है DOPT जो आपकी इंटरव्यूज वगैरह कंडक्ट करेगा, और थ्रू आउट द लाइफ DOPT ही आपकी कहाँ पर ट्रांसफर होनी है नहीं होनी ये सारी चीजें ये तय करेगा। तो DOPT वो वाला हमारे पास एक एडमिनिस्ट्रेटिव विंग है, किस मिनिस्ट्री का, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेशंस एंड पेंशन का। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ CBI, किसने इसको रेकमेंड किया था, अनदर इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, संथानाम कमेटी, क्योंकि उन दिनों पे करप्शन काफी हाई थी तो संथानाम कमेटी बनाई गई थी कि 1962 63 64 तक के कैसे करप्शन को रोका जाए, तो उस टाइम पर ये उन्होंने प्रपोज किया था कि CBI को बनाया जाना चाहिए, इसीलिए 63 में CBI बना दी गई थी। सो CBI इज नॉट अ स्टैचूटरी बॉडी, पावर्स लेती है ये क्वेश्चन ये भी आता है, ये पावर कहाँ से लेती है, इसकी सारी पावर जो है DSPE एक्ट 1946 से डिराइव करती है ये, ठीक है। CBI जो है मेन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है और ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो रंगे हाथों पकड़ते हैं अगर कोई रिश्वत ले रहा होता है, तो वो काम रहता है विजिलेंस कमीशन का, तो उनको ये असिस्ट करते हैं, CBI उनकी हेल्प करती है, ठीक है। इसी तरह लोकपाल की भी हेल्प जो है ये करती है, ठीक है। इट इज ऑल्सो द नोडल एजेंसी इन इंडिया, अगर इंटरपोल की कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो ये हमारे यहाँ नोडल एजेंसी की तरह काम करती है। CBI का एक डायरेक्टर होता है और ये काफी तरह के लॉज पर यानी कि इन लॉ के ऊपर ही ये अपने इसकी जो एक वर्क पैरामीटर है वो इन 69 सेंट्रल लॉज के ऊपर, 18 स्टेट एक्ट्स के ऊपर
और 231 ऑफेंसेस के अंदर ये इसकी ज्यूरिसडिक्शन बैठती है। ठीक है, ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, बाकी वाला जो मैंने आपको बताया वो इंपॉर्टेंट है। सीबीआई के डायरेक्टर को लेके यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। सीबीआई का डायरेक्टर जो भी बनाया जाता है उसके लिए एक स्पेशल कमेटी बनाई जाती है। ठीक है, वो कमेटी पहले देखते हैं यहाँ पे कैसे होता है। द डायरेक्टर ऑफ सीबीआई एज द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इज रिस्पॉन्सिबल, ये वाली जो लाइन इकट्ठी है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट का जो आईजीपी होता है वही डायरेक्टर ऑफ सीबीआई होता है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। रिसेंटली 2013 में लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट पास हुआ था ताकि आप अपने के जी रिश्वत से रिलेटेड जो आम जनता की प्रॉब्लम्स हैं वो आप इजीली सरकार तक पहुंचा सकते हो अगर वहां पर लोकपाल और लोकायुक्त होंगे तो। ठीक है, लोकपाल होता है सेंटर में और लोकायुक्त होता है इट्स लाइक अ ओम्बड्समैन, ओम्बड्समैन होता है जिसको आप अपनी शिकायतें सुना सकते हो। तो लोकपाल और स्टेट्स में होता है लोकायुक्त। ठीक है, सो इस एक्ट ने, 2013 के एक्ट ने ये अमेंड किया था, दैट दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को इसको अमेंड किया। और इन्होंने क्या कहा कि अगर सीबीआई के डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट होगी तो तीन लोग बैठेंगे। कौन तीन लोग हैं जी? वो एक तो प्राइम मिनिस्टर साहब बैठेंगे जो कि चेयरपर्सन होंगे उस कमेटी के, और एक होगा लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा वो होगा, और एक होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या चीफ जस्टिस ने किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को भेज दिया हो वो हो सकता है। ठीक है, तो तीन लोग होंगे, ये तीन लोग बैठ के डिसाइड करेंगे दैट हु विल बी द नेक्स्ट सीबीआई डायरेक्टर। लेकिन 2014 में क्योंकि इलेक्शन हो गए थे तो कांग्रेस को इतनी सीट्स नहीं आई थी कि वो ऑपोजिशन पार्टी बन सके, इसीलिए उस एक्ट को दोबारा से अमेंड किया गया 2014 में, और उसके बाद कहा गया था कि जो लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट ओपोजिशन पार्टी इन लोकसभा वो आ जाएगा, जो किसकी जगह आएगा, वो लीडर ऑफ ओपोजिशन की जगह। अगर कोई लीडर ऑफ ओपोजिशन नहीं है तो जो लार्जेस्ट सिंगल ओपोजिशन पार्टी है उसके लीडर को हम बुला लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, टेन्योर कितना होता है इसका? इसके सिक्योरिटी होती है टेन्योर की, 2 ईयर का टेन्योर होता है इसका। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बहुत क्लैरिटी से कही थी कि आप ऐसे किसी ऑफिसर को नहीं सीबीआई का डायरेक्टर चूज करोगे जिसकी रिटायरमेंट में सिर्फ 6 महीने रह गए हैं, ये लाइन ऐसे लिखी है। ठीक है, ये बात है। एक कमेटी आई थी बच्चों याद रखना, या प्रकाश सिंह का केस हुआ था एक 2006 में, जिसमें कि ये कहा गया था सुप्रीम कोर्ट ने कि जो भी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यहाँ बात सीबीआई की नहीं कर रहा हूँ मैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की बात कर रहा हूँ जो स्टेट का सबसे बड़ा पुलिस ऑफिसर होता है, कि उसको अगर कोई स्टेट या यूपीएससी या डीओपीटी अगर किसी पर्सन को डीजीपी चूज कर रही है तो वो आदमी को पॉलिटिकली माइलेज के थ्रू नहीं रखा जाना चाहिए, उसको उसकी मेरिट के अकॉर्डिंगली ही रखा जाना चाहिए। ये प्रकाश सिंह केस में कही गई थी बात, ये क्वेश्चन हो सकता है आपसे। ठीक है, द डायरेक्टर ऑफ, अगली लाइन भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। एक केस हुआ था, दैट केस इज ऑफ द विनीत नारायण जजमेंट, विनीत नारायण जजमेंट हुई थी जो कि 1998 में आई थी, उसके अकॉर्डिंगली कहा था कि डायरेक्टर ऑफ सीबीआई को जो 2 साल से ज्यादा का ही टेन्योर दिया जाना चाहिए, ये नहीं कि उसको 2 साल से भी कम का टेन्योर आप दे रहे हो, तो एटलीस्ट 2 साल का टेन्योर तो आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, नीचे वाले की जरूरत नहीं है, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी आपके लिए। नेक्स्ट न्यूज क्या है, इसको हम थोरली पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं इसको आपको ऐसे ही बता देता हूँ क्योंकि ड्राफ्ट है भी। इंडिया के इस तरफ अरेबियन सी में लक्षद्वीप आइलैंड है, यहाँ पर इस एरिया में, यहाँ जो मैं एरिया बना रहा हूँ इस तरफ, लक्षद्वीप आइलैंड जो है काफी ज्यादा, यहाँ की जो पॉपुलेशन है 97% के आसपास पॉपुलेशन यहाँ की मुस्लिम है। ठीक है, और यहाँ के लोग जो है बड़ा पीसफुली रह रहे हैं, और इस जगह पर अभी बीजेपी रूल्ड एडमिनिस्ट्रेटर जो है, यानी कि जो केरला के एडमिनिस्ट्रेटर है, यानी लक्षद्वीप के जो एडमिनिस्ट्रेटर है अभी राइट नाउ वो बीजेपी रूल्ड है, इसीलिए उन्होंने अभी ना एक स्कीम निकाली है कि लक्षद्वीप की डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी हमने प्लान वगैरह करने हैं वो अब से एडमिनिस्ट्रेटर ही करेगा। तो इस तरह से उन्होंने ना एडमिनिस्ट्रेटर के हाथ में काफी ज्यादा पावर दे दी है, लेकिन यहाँ के लोग उनको रेजिस्ट कर रहे हैं। उनका कहना ये है कि हम लोग ये हमें इन चेंजेस की जरूरत नहीं है, और ये चेंजेस इसलिए किए जा रहे हैं ताकि
जो बिल्डर लोग हैं वो यहाँ के इनोसेंट लोग जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं है लॉज की, उनको उनकी जमीनों को वो हथिया लें और उनका मिसयूज करें। सो दैट इज व्हाई ऐसा, इसीलिए वहां यहाँ के लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको सारा बता दिया है। तो जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं कि फोर्सिबल हमें रिलोकेट किया जाएगा, एविक्शन हो सकती है, हमारा डिस्ट्रक्शन ऑफ कल्चर हो सकता है, क्योंकि एक प्रोविजन में ये भी मेंशन किया गया है कि यहाँ पर अब वाइन शॉप्स को ओपन किया जाना चाहिए। एक्चुअली लक्षद्वीप में वाइन शॉप्स आर नॉट अलाउड, क्योंकि ये मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है और मुस्लिम्स इसको अच्छा नहीं मानते हैं लिकर को। सो दैट इज वाई लिकर इज नॉट अवेलेबल, और ना ही वहाँ पे वो परमिसिबल है वहाँ पे लिकर ले जाना। लेकिन अब वहाँ पर ऐसा सोच रहे हैं कि ये शॉप्स होनी चाहिए इस तरह से। ठीक है, तो इनसे वहाँ के कल्चर को और वहाँ के लोगों का कहना है कि रियल एस्टेट को फायदा पहुँचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि वहाँ के ज्यादातर लोगों के पास छोटी छोटी होल्डिंग है। ठीक है, और उनकी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज को भी ये बड़े बड़े जो बिल्डर्स हैं वो यहाँ पे खरीद लेंगे और फिर टूरिज्म हब वगैरह बना सकते हैं। इकोलॉजिकल कंसर्न्स भी हैं, रीजन है इसका। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट द EU इम्पोजेज अ सैंक्शन अगेंस्ट द बेलारूस। बेलारूस देखिए गाइस, यहाँ पर है बेलारूस, देखिए इसके बिल्कुल पास में ही है लिथुआनिया। एक्चुअली क्या हुआ, अभी एक फ्लाइट चली थी, मैं सीधा बता देता हूँ, ये पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। बेलारूस में एक यहाँ का जो प्रेसिडेंट है ना, वो काफी लंबे टाइम से प्रेसिडेंट साहब बने हुए हैं यहाँ के, 1994 से। ठीक है, उसके बाद उस उनको मतलब ये काफी लंबे टाइम से आप देख रहे हो, लगभग 26-27 साल हो गए इनको प्रेसिडेंट साहब बने हुए यहाँ बेलारूस के। बेलारूस की जो कैपिटल है उसका नाम है मिंस्क। हुआ देखो यहाँ पे बड़ा एक थोड़ा सा ना फिल्मी स्टाइल आप कह सकते हो इसको। हुआ क्या, ग्रीस से ना इस तरफ, यहाँ पे ग्रीस है बच्चों, ग्रीस एक कंट्री है, वहां से फ्लाइट ऐसे जा रही थी लिथुआनिया के लिए। ठीक है, ग्रीस से फ्लाइट चली लिथुआनिया के लिए, और वहां पर क्या होता है, जैसे ही वो फ्लाइट बेलारूस के ऊपर से जा रही थी ना, तो बेलारूस के जो प्रेसिडेंट साहब हैं उन्होंने अपने मिग जेट 29 फाइटर, जो होता है मिग जेट फाइटर 29, उसको ऑर्डर दिया कि जाओ उस फ्लाइट को, आप ये कहो कि अगर आप नीचे नहीं उतरे, यानी कि मिंस्क में उतर जाओ, अगर नहीं उतरे तो हम आपको हवा में ही उड़ा देंगे। तो बहुत ही ना एक ड्रामेटिक सिचुएशन बन गई थी, तो लोग वहां पे डर गए ऊपर। ऐसा क्यों किया, लेकिन क्योंकि उसमें एक यहाँ पर जिसका नाम एक रोमन प्रोत्सविका नाम का एक ब्लॉगर है, यूट्यूबर है, और एक यू कैन से रिपोर्टर है, वो लड़का जो 26 ईयर ओल्ड है, वो लड़का यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर रहा था इसी फ्लाइट में। उसकी वजह से यहाँ बेलारूस की ना, एक्चुअली वो लड़का जो भी जर्नलिस्ट है, वो लड़का वो काफी ज्यादा अगेंस्ट बोलता है बेलारूस के, यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है या अपने प्रेसिडेंट साहब है, इसीलिए प्रेसिडेंट साहब ने ये इस लड़के को पकड़ने के लिए ही ये ड्रामा जो है किया था अभी। सो इसी वजह से 7 आर वो फ्लाइट मिंस्क में खड़ी रही। ये एक्चुअली डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक वैल्यूज के अगेंस्ट था, इसीलिए जितनी भी यूरोपियन नेशन है उन सभी ने इसको सैंक्शन लगा दिया है बेलारूस के ऊपर कि आप डेमोक्रेसी के अगेंस्ट हो और आपको इसकी सजा मिलेगी। इसीलिए आपके अब से इन्होंने क्या कहा है, ना तो कोई कंट्री इसको अपने यहां से फ्लाइट जाने नहीं देगी और ना ही कोई भी फ्लाइट यहां तक आने देंगे वो बेलारूस तक। तो सभी कंट्रीज ने, 27 कंट्रीज ने डिसाइड किया है कि इसके ऊपर काफी तरह की रिस्ट्रिक्शन लगाई जानी चाहिए। ठीक है, पहले भी इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगती रही है, उससे हमें कोई अभी ज्यादा लेन देन नहीं है, वो कोई हमारे लिए हमारा सॉल्व नहीं करते हैं पर्पस। हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि अभी हुआ क्या है रिसेंटली, बस उतना सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, एक अभी वैसाख यानी कि वैसाख एक फेस्टिवल है जो श्रीलंका का है,
और उसको हम इंडिया में बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं, जो कि अभी रिसेंटली बुद्ध पूर्णिमा थी, है ना, जिसकी छुट्टी वगैरह मनाई गई है। वैसाख डे मनाया जाता है श्रीलंका के अंदर, काफी बड़ा त्योहार रहता है ये। किस लिए मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन बर्थ ऑफ गौतम बुद्धा, उनको सेलिब्रेट करने के लिए ऐसा किया जाता है, ठीक है। इसको हम ट्रिपल ब्लेस डे भी कहते हैं, क्योंकि तथागत ही बोलते हैं इसको, तथागत गौतम बुद्ध को, ये इकट्ठा नाम है तथागत गौतम बुद्ध। उस दिन इनका बर्थ, एनलाइटनमेंट और महा परिनिर्वाण, यानी कि इनको अल्टीमेट साल्वेशन इस दिन रिसीव हो गई थी। तो ये किस दिन होता है? फुल मून नाइट को ये होता है, और उस दिन यहाँ पर होली डे भी रखी जाती है, ठीक है। सो महाबोधि टेम्पल जो है यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इट इज लोकेटेड इन द बोध गया बिहार ऑन दिस ओकेजन। तो बस सिंपली वैसाख डे आपको मैंने बता दिया श्रीलंका का है, और इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो हिस्टोरिकल आस्पेक्ट वो कवर करेगी, ठीक है। अभी रिसेंटली हमें टोटल लूनार एक्लिप्स और सुपर मून भी नजर आए हैं, ये नेक्स्ट न्यूज है हमारी, लास्ट न्यूज है। इसका मतलब क्या है? सुपर मून का मतलब क्या होता है? देखिए, अगर मून नजदीक होगा कुछ ज्यादा ही बड़ा नजर आएगा, सो दैट इज नोन एज ए सुपर मून। सिंपली जब मून अपने ऑर्बिट में घूमता हुआ अर्थ के सबसे नजदीक आ जाएगा, जिस पोजीशन को बोलते हैं पेरिजी, पेरिजी पोजीशन बोलते हैं, उस पोजीशन में जब अर्थ के सबसे ज्यादा नजदीक हुआ जाएगा तो कुछ ज्यादा ही बड़ा नजर आएगा मून, तो दैट इज नोन एज ए सुपर मून। सिंपली ये सुपर मून होता है। अच्छा, तो फिर टोटल लूनार एक्लिप्स क्या होता है? सपोज टोटल लूनार एक्लिप्स क्या होगा, मान लीजिए एक्लिप्स कब होता है पहले वो देखते हैं। एक्लिप्स एक्लिप्स होता है, ये पोजीशन में देख रहे हो आप, जब मून और सन के बीच में यहाँ पर अर्थ आ जाती है, तो पूरी तरह से मतलब आप ये कह सकते हो कि पूरी तरीके से ये ढक जाता है जो हमारे पास, या जो मून है, मून पूरी तरह से जब एक्लिप्स हो जाए दिखे ही ना बिल्कुल भी के ऊपर कुछ है वहां पे, ठीक है। आपने देखा होगा ना कई बार रिंग सी जरूर नजर आती है, कई बार ये रिंग वगैरह ये भी ना नजर आए, पूरी तरह से ढक जाए जब मून, तो उसको बोलते हैं टोटल लूनार एक्लिप्स। सिंपली बस आप इतना से इसमें अगर याद रख लेंगे तो इतना फिलहाल के लिए बहुत है हमारे पास, ठीक है। तो गाइस इसी के साथ जो है ना, ये बाकी इन्फॉर्मेशन हम बाद में इसको रीड आउट करेंगे, जस्ट अ सेकेंड, ठीक। तो गाइस आज के लिए इतना एनफ है इसमें, और किसी का डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।